गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो गाइस, बहुत ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि गाइस मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज है रक्षाबंधन, तो सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। हो चुका हूँ रेडी और मैं भी अपनी छत पे ऊपर ऐसी घूमने काइट उड़ाएंगे, देखते भाई हवा चल जाएगा। तो भाई मेरे को पता, मुझसे पतंग तो उड़ने वाली है नहीं, एक पैसे की नहीं उड़ने वाली, कि मैं अब तक 8 पतंगें ख़राब कर चुका हूँ। मैं थोड़ा बहुत प्रयास कर लेता हूँ पतंग उड़ाने का। तो भाई मैंने अपना कैमरा सेटअप कर दिया, अब आप लोग देखना मेरे से बिल्कुल पतंग नहीं उड़ेगी, ऊपर जाएगी इतनी सी, देखना फिर नीचे आ जाएगी। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है इसलिए उड़ी नहीं पा रही, वरना आप लोगों ने देखो बिल्कुल ऊपर तक गई फिर नीचे आ गया। चलो और ट्राई मारते हैं, फिर जब उड़ेगी तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस, पूरे 1 घंटे बाद मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, और पतंग तो उड़ गई थी पर लेकिन भाई हवा के चक्कर में सही से नहीं उड़ पा रही, मतलब ऊपर तक तो जा रही है पर हवा की वजह से फिर नीचे आ रही है, वो हवा ही नहीं चल बिल्कुल ही। तब मैं शाम को उड़ाऊँगा, तो धूप भी हो गई। तो चलो अब रेडी होते हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए, लेट्स गो। तो हाँ भाई, ये कुछ मेरे कपड़े हैं, बता देना कैसे लग रहे हैं यार। देखते हैं अभी का प्लान क्या, अभी तो पूजा करने का टाइम हो चुका है, तो चलो चलते हैं पूजा करने। तो भाई आज है भाई रक्षाबंधन, इसलिए भाई मिठाई तो खानी बनती है यार, काजू कतली खाएंगे। और अपनी जो डाइटिंग है वो गई तेल लेने अभी आज के लिए बस। तो मेरे को लगता है कि जो लोग मेरे को पहले से देखते हैं उनके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि हम लोग दूसरी लोकेशन पर कैसे, पूरा चेंज लग रहा है देखो ड्राइवर में यहाँ पर कैसे, तो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल तो यार अभी इन्जॉय करते हैं भाई, 1 महीने बाद खा रहा हूँ मिठाई। फिलहाल पूरी हो चुकी है, बस राखी पानी हो गया। तो चलो कैमरा सेटअप कर दिया मैंने यहाँ पर, टाइम लैप्स आप लोग देखना। फिलहाल तो अभी ऑलमोस्ट अभी सब लोग आ चुके हैं, सब लोग मतलब एक तरीके से आ ही चुके हैं, बस अब मैं एक और बार आगे लूँगा फिर चलेंगे ऊपर पतंग उड़ाने। अब बात करते हैं मैं इस वाले घर में कैसे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा वाला घर था, मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया, मैं बुद्धि विहार आ चुका, पहले हम रामगंगा विहार थे, अब मैं बुद्धि विहार शिफ्ट हो चुका हूँ। तो पूरा टूर में आपको अपने घर का रात के नंबर में दे दूँगा, अभी तो फिलहाल सब रिलेटिव्स आए हैं तो उनके साथ बैठ के थोड़ा कम व्लॉग ही कर रहा हूँ मैं। तो भाई जल्दी से टीका कराते हैं, राखी बनवाते हैं और चलते हैं ऊपर। भयंकर भाई, कितनी तेज हवा चल रही यार, थोड़ा जल्दी। गाइस फाइनली सब जा चुके हैं और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि अब पतंग उड़ाने जाएंगे, 6 बजने वाले हैं और फिलहाल चाचा खाना खा रहे हैं, फिर हम लोग उड़ाएंगे पतंग। तो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली पतंग उड़ चुकी है, वो देखो रही सामने, वो दिख रही है आपको, बहुत मेहनत करने के बाद उड़ा दिया है चाचा ने, उड़ाई है भाई। Thank you.
उड़ा के आ चुके हैं नीचे और टाइम हो रहा है अभी भाई 8 बजने वाला है और मैं अब जाके खाना खा रहा हूँ भाई। इतनी तेज़ भूख लग रही है, कम से कम भाई 2 घंटा लगा था हमने पतंग उड़ाई। वो एक ही पतंग चलती रही भाई और हमने एक पतंग काटी और बाकी तो कोई आया ही नहीं उड़ाने, वो दूर दूर उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हमने उधर तक लेके नहीं गए। और भाई इतना मज़ा आया ना, तो चलो खाना खाते हैं। खाने में भाई कढ़ी बनी है फेवरेट चॉइस। लेट्स सी, अब देखते हैं देव भाई अभी आएंगे, वो अपनी बुआ के घर गए थे, तो लेट्स सी अब क्या होता है, रात में देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो फिलहाल खाना खाते हैं और मैं रात को चेस खेलूँगा मेरी बुआ अम्मा के साथ। फिलहाल रात हो चुकी है और टाइम हो रहा है 10 और मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने खाना भी खा लिया है और मैं घर का टूर नहीं दे पाया, तो मैं अभी व्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, सुबह को मैं व्लॉग एंड करूँगा जब मैं आपको घर का पूरा टूर दे दूँगा। तो अभी तो फिलहाल सोते हैं, सुबह मिलते हैं होम टूर के साथ। फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और अब मैं आपको ले रहा हूँ अपना होम टूर, तो शुरुआत करते हैं एंट्री से। तो गाइस बाहर का कुछ ऐसा सीन है और फिर यहाँ से होती है एंट्री, यहाँ से हम लोग जैसे अंदर एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा यहाँ पर खेलने के लिए, मतलब कुछ भी समझ लो, अंदर जाने का तो रास्ता है वो यहाँ से सामने से, लेकिन एक रास्ता यहाँ भी है जो कमरे से अटैच है बाहर से, तो हम लोग मेन एंट्री से चलते हैं। गेट लगा हुआ है, इसको जैसे खोलेंगे तो आ जाता है हमारा डाइनिंग और ये आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ पर गेस्ट बैठते हैं। ये दूसरा रूम आ जाता है जो बाहर से अटैच है गाइस, यहाँ से अटैच है, देखो बाहर आ गए यहाँ से अटैच है, और एक रूम यहाँ पर है और वो रूम नहीं, वो एक तरीके से हमने ऑफिस बना रखा है, पढ़ने के लिए भी सब कुछ है। तो ये है वो कुछ, ये फाइल्स रखी है मेरे बाबा की, चेयर, ये ऑफिस बना रखा है। और इधर से हम लोग सामने देखेंगे तो एक रूम वहाँ पर है और एक रूम यहाँ पर है गाइस, और सामने से हम लोग इधर से जाएंगे अपने बाहर की तरफ, तो यहाँ पर है सीढ़ी ऊपर जाने की छत पे। गाइस यही कुछ था घर का टूर, छोटा सा टूर दिया मैंने आपको, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक अच्छे होम टूर की वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको आराम से दिखाऊँगा। अभी तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही छोटा मोटा टूर दे दिया है, तो मिलते अपने नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, तो मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।